मुरली के रहस्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सभी आज की शाम राजू भाई जी का बहुत 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 स्वागत करते हैं। आज आज की जो मूली है वो है 18 जनवरी 1971। तो पहले भाई जी हमें उस मूली के मुख्य पॉइंट और जो जिसके ऊपर बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया है उस पर हमें तवज्जो दिलाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे प्रश्नों के उत्तर, जो आप लोगों के प्रश्न हैं वो भी हम भाई साहब के सामने रखेंगे। ओम शांति भाई साहब, वेलकम। ओम शांति। ओम शांति सभी को। 18 जनवरी विशेष बाबा का स्मृति दिन, और वो प्रारंभ के दिन थे क्योंकि 69 में बाबा व्यक्त हुए। सबसे पहले हम आपको आज जो 21 जनवरी है उस विषय में सुनाते हैं, क्योंकि 18 तारीख शाम को 9 बजे के लगभग बाबा ने इस पुराने देह का त्याग किया। 19, 20 और 21 दोपहर तक बच्चे आते गए, और 21 तारीख को जब इस पार्थिव शरीर का संस्कार पूरा हुआ, ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा समाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी आज ही के दिन। उसके बाद स्नान करके तैयार होकर के सभी 21 जनवरी को बाबा को भोग लगाने के लिए बैठे। संदेशी दो थी, एक संतरी दादी और एक गुलजार दादी। बड़ी दादी जी ने गुलजार दादी जी को कहा कि आप बाबा के पास जाओ, भोग लगाओ, संदेश लेकर के आओ। पहली बार 21 जनवरी 69 को बाप दादा की पधरावनी गुलजार दादी जी के तन में हुई, और उसके बाद बाबा का अव्यक्त पाठ शुरू हुआ। जब भी 18 जनवरी आती, 70, 71 ये दूसरा साल है, तो बाबा के बहुत बच्चे बाबा के स्नेह में समाये हुए, कोई आंसू बहाते, जिसको बाबा ने आज की इस मुरली में कहा है, कोई मेरे बच्चे भी योगी हैं, कोई योगी हैं और कोई स्नेही है। स्नेह तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्नेह के मोती अगर आते हैं तो स्नेह के मोती, बाबा कहता है, स्नेह के आंसू मोती बन जाते हैं। और योग जिनका बाबा के साथ है वो कभी भी दुख की लहरों में नहीं आते, दुख के आंसू नहीं बहाते, वियोगी नहीं बनते। वियोगी उसको कहते हैं जो किसी के याद में बहुत दुखी हो, परेशान हो,
जिसका भगवान से योग ही टूटा हुआ वो भी योगी है। तो आज बाबा ने अपने बच्चों की स्थिति को देखा है, सामने बच्चे हैं, तो बाबा जब शाम को आते हैं तो सवेरे से रात तक क्या क्या चला उस पर बाबा ध्यान खिंचवाते हैं। और विशेष आप सब अभी भी वो पुरुषार्थ करते हैं कि हमें अधिक से अधिक समय मुख के मौन में रहना है, आवाज से परे रहना है। लेकिन बाबा ने इस मुरली में बहुत गहराई से कहा है कि बच्चे अव्यक्ति स्थिति में रह करके फिर आवाज में आना, क्योंकि आवाज का प्रभाव तो थोड़े समय के लिए रहता है। वाणी में हम आते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो सुनता है, समझता है, लेकिन बाद में भूल जाता, अनुभव नहीं कर पाता। तो आपको एक बात सुनाता हूं कि जब 71 में महावाक्य चले हैं, ऐसे महावाक्य सुन करके ही मेरे को समर्पित होने की भावना जागृत हुई थी। 71 में मैं भी जून मास में मधुबन में मई में आया था, जून की स्कूल की छुट्टी थी, और बाबा ने इस मुरली के अंदर एक शब्द, एक लाइन कही है कि बच्चे रिवाइज कोर्स का भी इतना समय पूरा हो गया, माना 2 साल पूरा हो गया रिवाइज कोर्स का, रिवाइज कोर्स भी कब तक। तो ऐसे शब्द जब बाबा के सुनते हैं तो बच्चों के अंदर जोश आता है। तो ये मुरली सुनकर के ही मुझे आया कि अभी तो रिवाइज कोर्स भी पूरा हो रहा है, अभी मुझे समर्पित होना है। तो 71 में मैं समर्पित हुआ, मधुबन आया, और 72 में फाइनल मधुबन में समर्पित हो गया। मुझे भी आज 50 वर्ष मधुबन में हो रहे हैं। तो वो मुरलियां जो उस समय चली हैं बहुत गहरी हैं, और बाबा अपने बच्चों को विशेष कह रहे हैं कि बच्चे अव्यक्ति स्थिति में आ करके फिर आवाज में आएंगे तो लोगों को अनुभव करा सकेंगे। इसी मुरलियों के आधार से 72 में राजयोग शिविर प्रारंभ किए गए। राजयोग शिविर पहले नहीं थे, मधुबन में कोई कोर्स तो होते थे, 7 दिन के कोर्स कराए जाते थे ज्ञान में, लेकिन कमेंट्री दे करके उसी स्थिति में स्थित होकर के कोई अनुभव कराया जाए उसके लिए योग शिविर प्रारंभ किए गए। और सबसे पहला शिविर मधुबन में 72 में ही हुआ, जब हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान भवन के पास योग भवन है वो बनाया गया, और उसमें एक छोटा सा हाल था जिसमें पहले शिविर के अंदर मुझे याद है मैं था मधुबन में, केवल 8 वीआईपी वो थे, गुजरात से आए थे, प्रोफेसर्स थे, प्रिंसिपल्स थे स्कूल के, कॉलेज के। तो वो 8 लोग आए और उसी स्थिति से इतना अटेंशन देकर के इस मुरली के आधार से उनको अनुभव कराए गए जो सभी के सभी समर्पित हो गए। समर्पित माना पूरे ज्ञान में चले, और ज्ञान में चलने के बाद उनके बच्चे, उनके परिवार वाले, उनकी बच्चियां अभी भी समर्पित हैं। एक कुलाबा में है, बॉम्बे में है, एक अहमदाबाद मणिनगर में है। ये सब इनके पिता लोग पहला शिविर करके ही निकले, और उसके बाद अनुभव का तीर कैसे लगता है उसके विषय में बाबा ने ये मुरली पहले चलाई है कि योग शिविर में योग के द्वारा, अव्यक्ति स्थिति के द्वारा आवाज में आओ तो लोग आवागमन से छूट जाएंगे। बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के कि जब वाणी से ज्ञान देते हो तो लोग आवागमन में आते हैं, माना कभी अच्छा लगेगा तो आ जाएंगे ज्ञान में, और नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ देंगे। आवागमन यही चक्र है। जैसे हम आत्माएं आती हैं जाती हैं परम धाम से, वो आवागमन अलग है, लेकिन आज की मुरली में जो बाबा ने आवागमन शब्द का प्रयोग किया है, माना वाणी के द्वारा प्रभावित होकर के कई आत्माएं ज्ञान में आती हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाती तो चली जाती है, ये अभी आवागमन है। लेकिन अगर आप अव्यक्त स्थिति में वाणी से परे की स्थिति में स्थित रह करके किसी को 2 शब्द भी अनुभव के बोलेंगे, अनुभवी मूर्त बन करके बोलेंगे, तो सामने वाली आत्मा भी अनुभव करके पक्की बन जाएगी, बाबा की बच्ची बन जाएगी, बच्चा बन जाएगा। तो बाबा ने विशेष आधा होना पेज तो इसी बात पर अंडरलाइन कराया है कि बच्चों को अभी आवाज
से परे रहने का अभ्यास करना है। वाणी में आने का रस तो है, आवाज में आते हो, बहुत वाचा में आते हो, लेकिन अधिकतर अव्यक्ति स्थिति में रह करके मन के मौन को भी धारण करके व्यक्त भाव से परे रह करके फिर आप साकार में आओ और फिर वाणी में आकर के दूसरों को ज्ञान दो। उसके बाद बाबा ने हम सबका ध्यान खिंचवाया है कि स्मृति दिवस पर बच्चे बहुत स्नेह में समाये रहते हैं, लेकिन वियोगी नहीं बनना, योगी बनना, स्नेही बनना। और जो स्नेही बच्चे हैं वो सहज ही वरदानों की प्राप्ति कर लेते हैं। दो प्रकार के बच्चे बाबा ने सुनाए, एक है पुरुषार्थी जो पुरुषार्थ से प्राप्तियां करते हैं, और दूसरे बच्चे हैं जो वरदानों से प्राप्तियां करते हैं, वरदानों से वर प्राप्त कर लेते हैं, और उसका आधार है स्नेह। तो जितना हम बाबा के स्नेह में समाये रहते हैं उतना हमें बाबा से वरदानों की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ से प्राप्तियां करना माना मेहनत, पुरुषार्थ माना मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने देखा है कई दादियों को जिन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, जैसे वरदानों से पलती रही। एक बार बाबा को दादी बोल रही थी, हमारी प्रकाश में दादी, बाबा आप इतने सब बच्चों को वरदान देते हो, मुझे भी कभी कभी वरदान दे दिया करो। तो बाबा, जब दादी ने बाबा को बोला तो बाबा बहुत मुस्कुराए और बाबा ने कहा, बच्ची आपको वरदान दूं या आप तो वरदानों से पल रही हो। तो हमारी दादियां वरदानों से पल करके इतनी बड़ी बनी, पुरुषार्थ से मेहनत करके नहीं बनी। तो सर्व प्राप्तियां जो की वो वरदानों से की। तो बाबा ने इसमें कहा है एक और विशेष बात अंडरलाइन कराई है, कैच करने की शक्ति चाहिए। बाबा तो हर बच्चे को वरदान देता है, लेकिन कैच करने के लिए बहुत बुद्धि साफ और स्वच्छ चाहिए। जो कैच कर लेते हैं वो कमाल करते हैं, और जो कैच नहीं कर पाते हैं वो खाली के खाली रह जाते हैं। तो हम सब बच्चे बाबा की सकास को, बाबा की टचिंग को, बाबा के वरदानों को अपने बुद्धि बल से कैच करें, और जितना हम कैच कर लेंगे उतना ही हमारे जीवन में वो वरदान अपने आप आते जाएंगे। तो सभी इस बात को ध्यान देंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे ये रिवाइज कोर्स जो चल रहा है समय के अनुसार, उसके आधार से आप बच्चों की चार विशेषताएं होनी चाहिए। चेक करो क्या वो चारों विशेषताएं मेरे जीवन में आई हैं। सबसे पहले देखना ये है, हम सब बाबा के बच्चे बने, बच्चों के जीवन में श्रेष्ठता कितनी आई है। जो साधारणता है, लौकिकता है, उसको परिवर्तन कहाँ तक किया है, और परिवर्तन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ योगी कितना बनाया है। श्रेष्ठता हर संकल्प में, बोल में, कर्म में श्रेष्ठता आती जाए, साधारणता खत्म हो जाए, लौकिकता समाप्त हो जाए। दूसरा बाबा ने कहा है, चेक करो संपूर्णता कितनी आई है, और संपूर्णता की निशानी बाबा ने कहा है समीपता कितनी है। ब्राह्मण परिवार में आपस में आप बच्चे समीप कितने रहते हो, क्योंकि समीपता के आधार से ही यज्ञ को इतना वृद्धि को बढ़ाया बढ़ी इतनी वृद्धि हुई है। तो बाबा ने बहुत गुप्त रीति से इशारे दिए कि एक तरफ आप संपूर्णता का पुरुषार्थ करो, लेकिन दूसरी तरफ आप एक दूसरे के समान बनकर के सेवाओं को आगे बढ़ाओ, समीपता का अनुभव करो। और तीसरा चेक करो कि कहाँ तक हम सभी संतुष्टता का आधार बना करके, कितना संतुष्ट मणि बन करके रहते हैं, संतुष्टता हमारे जीवन में कहाँ तक आई है। तो सबको चेक करना है कि संतुष्टता है, हम अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिवार से, बाबा से सबसे संतुष्ट हैं। तो संतुष्टता को चेक करते हुए बाबा ने कहा, चौथी बात है कि आप बच्चे कितना शूरवीर बने हो। एक है महावीर और एक है शूरवीर, शेरों जैसी शक्ति कहाँ तक आई है कि कोई भी माया की बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी प्रकार का पेपर आए, जो मेरे बच्चे शूरवीर हैं, जिनके पास सर्व शक्तियों का भंडार है, वो कोई भी बात को सहज पार कर लेते हैं। तो सभी को एक बात चेक करनी है इस मुरली के आधार से
कहाँ तक इस ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठता को अपनाया है, कहाँ तक हमने संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त किया है, कहाँ तक हम आपस में एक दूसरे के समीप आए हैं, साथ साथ संतुष्टता कहाँ तक है और शोर भीड़ कितने हैं, कोई भी बात आए क्या हम उसको सहज रीति से पार कर सकते हैं, ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग बाबा ने बताई है। और आगे चल करके बाबा ने बहुत गहरा एक पुरुषार्थ बताया है कि बच्चे जितना अपने आप को ट्रांसफर करते जाओगे, माना बॉडी कॉन्शियस से परिवर्तित होते जाओगे, उतना ट्रांसपेरेंट बनते जाओगे। आपकी जो ट्रांसपेरेंट स्थिति है, जैसे कोई ट्रांसपेरेंट ऐसे वस्त्र पहन लेते हैं तो पूरा शरीर दिखाई देने लगता है, बाबा ने कहा है ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करो आप सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का, जो शरीर के अंदर छिपी हुई आत्मा स्पष्ट दिखाई देने लगे। बहुत गहरा पुरुषार्थ है कि आप हमें देखें और आपको इस शरीर न दिखाई दे, आत्मा दिखाई दे। इतना आत्मा पुरुषार्थ करके अपने आप को ट्रांसफर कर ले बॉडी कॉन्शियस से, तो ट्रांसपेरेंट बन जाए, केवल आत्मा ही दिखाई दे, शरीर न दिखाई दे। तो ये बहुत गहरा पुरुषार्थ करके आप बच्चों को ऐसा ट्रांसपेरेंट बनना है जो हरेक को आत्मा देखो और आपको जो कोई देखे उसको भी आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव हो। तो बहुत छोटी सी मुरली है लेकिन बहुत गहरे राजों से भरी हुई है। मैं समझता हूँ आप सभी ने इसकी अच्छी स्टडी की होगी, क्योंकि 71 में मुरली भले छोटी छोटी चली हैं, अभी तो 8 पेज 10 पेज की हैं, वो तो 1-1.5 पेज की मुरली है, लेकिन उसके अंदर भी बाबा ने कैसे बच्चों को संपन्न संपूर्ण समान बनने के लिए प्रेरणाएं दी हैं। स्नेह का सबूत है, हम सभी सिर्फ स्नेही नहीं बने लेकिन शक्तिशाली बने, समर्थ बने। तो स्मृति दिवस है और स्मृति दिवस पर सब बच्चे जितना अंदर गुफा में रहते हैं उतने अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं, वरदानों की प्राप्ति करते हैं। 71 में ये मुरलियां जब चली हैं तो दीदी बहुत इन बातों पर ध्यान देती थी, दीदी मनमोहिनी, और विशेष करके उस समय मुझे याद है इंद्रप्रस्थ बन करके नया नया तैयार हुआ था। आप सब देखा होगा जो आए हैं मधुबन में शांति स्तंभ के पास में, बाबा के समय ही इसका फाउंडेशन पड़ा था लेकिन 2 साल के बाद इंद्रप्रस्थ बन करके तैयार हुआ। और सबसे पहले दीदी ने एक बीच में 2 कमरों के बीच में, अभी शायद पार्टीशन किया है, उस समय 2 कमरों के बीच में एक छोटा सा हाल था, और उस हाल में हम, मुझे याद है कि करीब 1 हफ्ते तक बिल्कुल मौन की भट्टी बैठ करके केवल 8-10 भाइयों को बिठाती थी दीदी। कभी भाइयों का टन लगता था, कभी बहनों का लगता था। 3-3 दिन सब अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके बहुत गहरी तपस्या करते थे। कोई क्लास नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे गीत बजा करके और सब बाबा की याद में उड़ जाते थे। तो वो 71-72 में हम सब ने इन मुरलियों के आधार पर बहुत अच्छी तपस्या की और उसके परिणाम स्वरूप देखो सेवाओं की इतनी वृद्धि हुई। 71 में ही सबसे पहले विदेश का सेवा केंद्र खुला, लंदन की स्थापना हुई और 72 से ही सेवाओं का विस्तार हुआ है। 74 में जानकी दादी जी लंदन गई हैं, तो सेवाओं की शुरुआत विदेश के अंदर 71 में हुई। इन्हीं मुरलियों के आधार से ही बाबा ने सब जगह बच्चों को भेजा और फिर सेवाओं का प्रारंभ हुआ। तो आप सब बाबा के बच्चे, अभ्यक्ति पालना लेने वाले बहुत श्रेष्ठ योगी, श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाकी बाबा की मूल्यों की अच्छी स्टडी करते चलो। अभी आपके कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति राजू भाई जी। ओम शांति। आज मैंने ना प्रयत्न किया कि मैंने भी मुरली पढ़ी हुई थी और मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ कितने पॉइंट्स मुझे याद है बिना कोई नोटबुक देखे। तो जब आप बोल रहे थे तो मैं भी उस पर सोच रही थी और मोस्टली सारे पॉइंट्स मेरे को भी याद थे, क्योंकि मुरली छोटी थी तो इसलिए इजी था। लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी ऐसे ही पढ़ के वापस, मतलब पूरा रिपीट अगर याद कर सकूँ अच्छे से
तो वो अच्छा रहेगा. सो थैंक यू. हमारे क्वेश्चंस हैं, तो पहला यही क्वेश्चन था कि जैसे बाबा कहते हैं कि आवाज से परे जाने के लिए, और हम लोग जब भी मेडिटेशन करते हैं तो हम सबको आदत है कि कोई म्यूजिक लगाए या कमेंट्री करे, तो क्या ये आवाज से वापस हमें ले जाएगी, या जैसे बाबा ने आज कहा कि लोरी जो है वो भी एक साधन है आवाज से परे दूसरी दुनिया ले जाने के लिए, तो क्या कमेंट्री और ये जो गाने हम सुनते हैं वो भी एक साधन है जो हमें आवाज से परे ले जाता है, हम उस तरह से उसको यूज कर सकते हैं? ऐसा है कि हमें कोई आधार नहीं बनाना चाहिए. वो जो माताएं लोरी देती हैं बच्चों को सुलाने के लिए, वो एक अलग बात है. बाबा ने कहा लोरी दे करके उसमें नींद में ले जाते हैं, आवाज से परे ले जाते हैं. लेकिन बाबा की याद के लिए कोई ऐसे म्यूजिक या ऐसे साधनों की वास्तव में आवश्यकता नहीं पड़ती है. पहले पहले जैसे हम कोई आवाज की दुनिया से, बाह्य मुक्ता से अंदर बैठते हैं आकर के, तो अच्छे अच्छे गीत बजते हैं, प्यार के गीत बजते हैं बहुत मीठी ध्वनि में, तो सहज योग लगता है, आधार होता है. लेकिन अधिक समय इसी का ही, कई बार ऐसा होता है कि हम आधा घंटा योग में बैठे हैं और जोर जोर से ट्यून बजती है या गीत बजते हैं तो और सिर भारी हो जाता है हल्कापन की बजाय. योग जो सहज होना चाहिए उसमें मेहनत लगने लगती है, इसलिए आधार न बनाएं. लेकिन अगर मान लो बुद्धि इधर उधर जा रही है, भटक रही है, बहुत कारोबार है, बहुत संकल्प है, तो ये साधन है. ऐसी लोरी जैसे बढ़िया गीत बजा या कमेंट्री धीरे से बजा दी, तो वो साधन हम सहज आवाज से परे जा सकते हैं. लेकिन आधार नहीं रखना. आधा घंटा योग करते हम लोग यहाँ पर जो करते हैं, विशेष हमारा ग्रुप है, जब एक घंटे का हम योग करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हम 20 मिनट के बाद केवल एक आधा मिनट, एक मिनट का गीत बजाते हैं, फिर ट्यून भी बंद करा देते हैं. कम से कम आवाज से परे एकदम डीप चले जाओ, जो हमारा घर है, परम धाम है, उसका अनुभव करो, अव्यक्त वतन का अनुभव करो, अपने स्वरूप का अनुभव करो. तो इसमें हमें आवाज की वास्तव में जरूरत नहीं है, कमेंट्री की, गीत की, ट्यून की. लेकिन चेंज करने के लिए, या बुद्धि बाहर मुखी है, इधर उधर बहुत सारे कारोबार में बिजी है, तो उसके लिए हम गीत, अच्छे गीत बजाएं, और बहुत साठ में, बहुत धीमी आवाज में, तो सहज योगी जीवन का अनुभव होता है. शुक्रिया. आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब हम एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग जा रहे हैं या बहुत कुछ है देखने के लिए, तो तब आवाज, तब गाना सुन सकते हैं और अपने मन को काबू में लाके फिर वरदानों का या आत्मिक स्थिति का फिर ध्यान या अभ्यास कर सकते हैं, तो वो बात जुड़ जाती है उससे. थैंक यू. दूसरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि दादी वरदानों से पली, तो इसको थोड़ा आप इलाबरेट करेंगे, थोड़ा और बताएंगे कि वरदानों से पलने का मतलब क्या है? वरदानों से पलने का मतलब ये है कि पहले वरदान को हम समझे, वरदान है क्या. लोग तो भक्ति मार्ग की तरह समझते हैं कि बाबा कोई ऐसे वरदान देता है जो तथास्तु कह करके हो जाएगा. ऐसा नहीं है, भक्ति मार्ग नहीं है यहाँ. यहाँ कोई भी चीज की प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्त के लिए विधियां हैं, और जो जितना विधियों पूर्वक चलता है, मेहनत नहीं है लेकिन विधि प्रमाण उसकी श्रीमत अनुसार, विधि माना श्रीमत, अगर श्रीमत प्रमाण हमारे कदम है, कर्म है, तो नेचुरल है बाबा के वरदान अपने आप प्राप्त होते हैं. मांगने की या वरदानों की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है. तो दादियों ने हर कदम में श्रीमत का ऐसा पालन किया, जो बाबा ने कहा जी बाबा जी बाबा, तो उसकी आशीर्वाद वरदान के रूप में प्राप्त होते गए, और उसके कारण उनको कोई मेहनत नहीं लगी. तो बाबा ने कहा, बच्चों ने किया. जो वरदान शब्द है इसमें दो शब्द आते हैं, वर और दान. तो जो कुछ बाबा से हमें प्राप्त हुआ है, मान लो ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, इतना सब खजाना मिला है, अगर हम उसका दान करते हैं, दूसरों को देते हैं, जैसे बाबा कहते हैं मनसा से शक्तियों का दान करो,
तो हमने मनसा से अगर शक्तियों का दान किया है तो हमारी मनसा अपने आप शुद्ध पवित्र एकाग्र अपने आप हो जाएगी, उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी, मनसा शक्तिशाली बनती जाएगी, वरदान वरदानी बन जाएगी, जो सोचेंगे होने लगेगा, संकल्प एकाग्र हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो ये वरदान मिल गया। लेकिन कैसे मिला? जब हमने अपनी शुद्ध मनसा से किसी आत्मा को शक्ति दी, सकाश दी, उसको मदद की, तो मनसा वरदानी बन गई। ऐसे वाचा से बाबा कहता है ज्ञान दान करो, तो वाचा आपकी शक्तिशाली बन जाएगी, जो बोलोगे होने लगेगा, ये वरदान मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कब? जब आप वाचा से ज्ञान दान करेंगे, किसी को कुछ अच्छी बातें सुना करके उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो आपकी वाणी को वरदान मिल जाएगा। माना आपकी वाणी जो निकलेगी, जो आप कहेंगे होने लगेगा। ऐसे ही बाबा कहता है कर्मों से गुणों का दान करो, कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, आपके अंदर अपने आप वो आएगा दिव्यता, अलौकिकता, क्यों? कर्म से हमें गुण दान करने। तो जब हम दान करते हैं, माना हम हमारे जो प्राप्तियां हैं उनको हम दूसरों को देते हैं, तो हमारा जीवन वरदानी बन जाता है। तो दादियों ने ऐसी जीवन बनाई जो सदा ही देने की भावना रखी, देना है देना है देना। कोई भी आया, दृष्टि से भी देंगी, बोल से भी देंगी, हाथों से भी कोई ना कोई चीज देंगी, सबको दे करके वो वरदानी बन गई। तो भाई जी, मेरे को एक और प्रश्न याद आता है इस बात पे कि जैसे लोग कहते हैं कि अभी हम इतनी सेवा नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोविड के वजह से लॉकडाउन है या वैसी सिचुएशन नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि अगर मनसा हमारा वरदानी हो, वाणी हमारी वरदानी हो, तो वो भी एक प्रकार की सेवा ही हो जाएगी, राइट? तो हम स्थूल में सेवा नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट मनसा और वाणी से सेवा कर सकेंगे अगर हमारा बोल वरदानी बन जाए। हमको सिर्फ अभी बाबा चाहता है भाग दौड़ की सेवा नहीं करो, एक स्थान पर रह करके कितनी बढ़िया और वंडरफुल सेवाएं होती हैं। कल शायद आप लोगों का ध्यान गया हो, भारत में जो सेवा हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, दो चीफ मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर और गवर्नर, इतने बड़े बड़े VIPs ऑनलाइन जुड़े हुए थे और उनकी कितनी सुंदर स्पीच हुई है। जो लाखों रुपया खर्च करने के बाद इन VIPs को बुलाया जाए, इनकी सिक्योरिटी, इनके लिए प्रबंध, कितनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन बाबा ने क्या वंडरफुल काम करा रहा है। गुप्त रीति से लॉकडाउन में लाखों लोगों को एक थक से संदेश मिल गया और इतना अच्छा संदेश पहुंचा है जो आपको क्या बताऊं, ऐसे लगता है जैसे बाबा चारों तरफ से अपना कार्य अपने आप बच्चों से करा रहा है। तो ये सब सेवा के भिन्न भिन्न साधन है, हम सब अपनी स्थिति बनाए। उस दिन भी बाबा ने कहा था करावनहार करा रहा है, आप बच्चों को बिजी रहने के लिए खेल दिया है, खेलते रहो, आप निमित्त बनो, भाग्य बनाओ। तो इस समय ये नहीं सोचना है सेवा नहीं है, सेवाएं बहुत है, लेकिन हमारी शुद्ध मनसा, हमारे अच्छे पवित्र वाइब्रेशन, अच्छे शुद्ध संकल्प अपने आप वायुमंडल बनाएंगे, प्रकृति का मनुष्य आत्माओं के तमोगुण को समाप्त करेंगे। तो हम ये न सोचे हम जाकर के किसी को ज्ञान सुनाएं, इधर जाएं उधर जाएं, खर्चा भी करें मेहनत भी करें। बाबा चाहता है बच्चे कम खर्च वाला नसीब, एक स्थान पर बैठ करके बहुत शुद्ध पवित्र मनसा रखो। जो संबंध संपर्क में आते हैं, फोन करते हो, इसमें ऑनलाइन क्लासेस कराते हो, बड़ी भावना से बहुत स्थिति ऊंची बना करके कराओ, कितने बच्चे निकल आए, जहाँ 40 थे वहां 80 हो गए लॉकडाउन में। कल जर्मनी का एक परिवार हमसे मिलने आया तो जर्मनी वाले भाई कहने लगे, भाई जी हमारा हिंदी परिवार पहले 40 का था जर्मनी में और उस लॉकडाउन में 80 का हो गया। और एक बच्चे को लेके भी आए थे लॉकडाउन से जो 2 महीने का था। क्या वंडरफुल बाबा सेवाएं करा रहा है, इसलिए उसका प्रभु लीला है। आप सब देखते चलो और अपनी शुद्ध मनसा से बहुत अच्छी सेवा करते चलो। हमारे यहाँ भी अभी हमारे साथ 100 से भी ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, उसमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है 80% तो ऐसे ही जूम के थ्रू ही आए हैं और जूम के थ्रू ही उन्होंने कोर्स लिया हुआ है। तो वही सेवा वैसी ही हो गई, जो अनुभूति की जो टीचर्स हैं उन्होंने जूम पे ही उनको ज्ञान सुना के वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे बाबा ने आज मेंशन किया कि ट्रांसपेरेंट हो जाओ, ट्रांसपेरेंट बन जाओ, तो ट्रांसपेरेंट और अव्यक्त स्थिति ये दोनों चीजें सेम ही है? अगर वो सेम है तो फिर अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए जैसे डे टू डे में हम क्या अभ्यास करें ताकि हम ट्रांसपेरेंट या अव्यक्त स्थिति में रह सके?
वास्तव में हर बात के लिए एक ही अभ्यास बाबा ने बताया है, अपने को आत्मा निश्चय करो। जितना हम इस देह भान से न्यारे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्मा देह भान से जब डिटैच हो जाती है तो उसकी अव्यक्त स्थिति अपने आप बन जाती है। व्यक्त भाव है, जब हम देह भान में हैं, बोलते हैं, चलते हैं, तो उसमें अभिमान दिखाई देता है। बाबा चाहते हैं बच्चे एकदम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके ट्रांसपेरेंट बने, माना आत्मा को देखें और आत्मा का अनुभव लोगों को कराएं कि मैं आत्मा बोल रहा हूँ, शरीर नहीं बोल रहा है। तो ये अभ्यास करते करते अव्यक्त स्थिति बन जाएगी, फरिश्ता स्थिति बन जाएगी, लेकिन ट्रांसपेरेंट माना देही अभिमानी स्थिति। और जितनी हमारी देही अभिमानी स्थिति बनती है उतनी डबल लाइट, फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति, हमारी निराकार स्थिति अपने आप बन जाती है। थैंक यू। मुझे लगता है आपने आंसर तो दे दिया है, बट किसी का क्वेश्चन है कि अव्यक्त स्थिति में रहकर सेवा कैसे, या दिन डे टू डे एक्टिविटीज कैसे किया जाए, या सेवा कैसे की जाए। वास्तव में अव्यक्त स्थिति में रह करके सेवा का भाव यही है कि हम करावन हार बन करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराएं। अव्यक्त स्थिति माना ऐसा थोड़ी बिल्कुल हम कोई ऊपर चले गए, शरीर ही छोड़ गए। शरीर में आओ, शरीर का आधार लो, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रह के कर्म करो, न्यारे हो जाओ। माना कर्तापन का भान जो रहता है, मैं पर रहता, उससे डिटैच रहो। भाई कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना तो आत्मा रह ही नहीं सकती। कर्म क्षेत्र पर हम हैं, कर्म क्षेत्र पर तो कर्म करने हैं, लेकिन कर्म करते हुए कर्तापन के भाव से परे आत्मिक स्थिति में स्थित रहना ही अव्यक्त स्थिति है। जैसे बाबा करण करावन हार है, हमें प्रसन्न कर रहे, तो उसके रिजल्ट्स की, रिजल्ट से अपेक्षा नहीं रखनी है, बस आपको काम करके बस वहां से हट जाना। हाँ, जो भी रिजल्ट निकलने वाली हो बाबा जाने, बाबा को अर्पित करो और अपने आप को हल्का रखो। बढ़िया, थैंक यू सो मच। दूसरा ये क्वेश्चन है कि बाबा ने आज संपूर्णता के बारे में जब मेंशन किया तो समीपता, जैसे दोनों शब्द यूज किए, संपूर्णता और समीपता, तो ये दोनों शब्द क्यों, मतलब ये दोनों का क्या रिलेशन है और ये दोनों शब्द क्यों एक साथ यूज करें? कई बार कोई कोई बच्चे जब संपूर्णता का पुरुषार्थ करते हैं ना, तो सब बातों से किनारा कर लेते हैं। बाबा ये नहीं कहता है कि आप ऐसा कोई पुरुषार्थ करो जो परिवार से, आपसी संबंधों से किनारा हो जाए। सबके बीच में रहो, सबके स्नेही बन करके रहो, सहयोगी बन करके रहो, आपस में समीप बन करके सेवाएं करो। और गुप्त पुरुषार्थ है संपूर्णता का, बनना है संपन्न संपूर्ण, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे से अलग होकर। कई बार क्या है, जब हम कोई पुरुषार्थ करने लगते हैं तो सब बातों से किनारा कर लेते हैं, साथियों से किनारा कर लेंगे, सेवाओं से किनारा कर लेंगे, एकदम ऐसे हो जाएंगे। बाबा कभी कभी कहते हैं ये तो जैसे उदासी, जो दूसरे होते हैं ना वैरागी, उदासी, एकदम ऐसे जैसे कुछ पता नहीं क्या हो गया, कोई बात में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, बस हमको तो बस बेहद का वैराग्य है, मुझे संपन्न संपूर्ण बनना है। तो बाबा उस तरफ नहीं ले जाना चाहते। ये हमारा बहुत गुप्त पुरुषार्थ है कि हम अपने आप को संपन्न बनाते बनाते हर शक्ति में, हर गुण में, हर विशेषता में संपूर्ण बन जाएं। वो गुप्त पुरुषार्थ है, लेकिन आपस के संबंधों में किसी से दूरी ना हो, समीपता का। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने क्लियर कर दी, क्योंकि ये हमेशा यही कंफ्यूजन रहता है कि परिवार में रह के कैसे ये किया जाए। तो थैंक यू। फिर बाबा ने संतुष्टता के बारे में बात की और आपने मेंशन किया था कि संतुष्टता जैसे कि पुरुषार्थ से भी संतुष्टता आपने कहा था। तो क्या हो जाता है जब हम सुनते हैं कि बाबा कहते हैं कि 8 घंटे का अभ्यास, 8 घंटे योग करना चाहिए, या जब भट्टी हो रही होती है तो सुनते हैं कि लोग 2-2 बजे से उठ के कर रहे हैं, या 4 घंटे एक जगह पे बैठ के कर रहे हैं, तो हम सब में इतनी क्षमता नहीं रहती कि हम भी वैसा कर पाए, क्योंकि शायद ऑफिस हो सकता है या घर के कारोबार हो सकते हैं। तो फिर उसमें फिर पुरुषार्थ में फिर संतुष्टता नहीं महसूस होती है, क्योंकि फिर लगता है कि शायद हम नहीं इतना कर पा रहे हैं। तो फिर इससे कैसे हम, कैसे इसको हम देखें? वास्तव में इस बात को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। संतुष्टता ये नहीं है कि जैसे सब कर रहे हैं पुरुषार्थ ऐसे मैं भी करूं।
अब कईयों का शरीर साथ नहीं देता, कईयों की सेवाएं अलग अलग हैं, वैरायटी हैं। संतुष्टता का अर्थ है आत्मा स्वयं स्वयं हर मर्यादा पर चलते हो, ईश्वरी नियम और मर्यादा का पालन करते हुए जो बाबा ने बनाई है। मनुष्य आत्माएं अपने अपने ढंग से पुरुषार्थ करते हैं, उनको नहीं देखो, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाएं जो बनी हुई हैं, अगर मैं उन पर चल रहा हूँ, उनको यथार्थ पालन कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। अब ये 2 बजे योग कर रहा है और मेरी दिनचर्या ऐसी है जो मैं सारा टाइम बिजी हूँ, 1 मिनट भी हमें रेस्ट नहीं है, और मैं भी अगर 2 बजे इनको देख के करूंगा तो शरीर साथ नहीं देगा, सेवाओं में आलस्य आएगा, कितनी रुकावटें आएंगी, तो हम एक दूसरे को फॉलो ना करें। अब किसी के पास ऐसी कारोबार नहीं है, जॉब नहीं है, जल्दी सो जाते हैं, तो उनको टाइम मिलता है वो करे, अच्छी बात है। जो समय को सफल कर सकते हैं, जैसे सफल कर सकते हैं करें, लेकिन हम किसी एक दूसरे से भेंट न करें। गुप्त रीति से हम मर्यादाओं पर चलते चलें, अपनी स्थिति को एक रस रखें और जो श्रीमत नियम बने हुए हैं उनके अनुसार चलें। तो यही संतुष्टता है, स्वयं स्वयं की संतुष्टता, माना मनमौजी नहीं, आलसी नहीं, अलबेलापन नहीं, बहानेबाजी नहीं। अगर उससे हम मुक्त हैं और हर श्रीमत का पालन करते हुए चल रहे हैं तो हम संतुष्ट हैं। इसलिए अपने आप को संतुष्ट करने के लिए किसी से भेंट करने की जरूरत नहीं है, अपनी स्थिति एक रस रखो, खुश रहो। कई 2 बजे योग करते हैं ना, जब कारोबार में आते हैं उसी समय गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका माइंड काम नहीं करता है, तो ऐसा योग करने से क्या फायदा है। स्थिति हमारी बनानी है कि योग करना है, योग कहने का अर्थ ही है कि स्थिति अच्छी बने। कितनी बार साकार बाबा कहता है बच्चे योग कोई बैठ करके करने की चीज नहीं है, ठीक है आप लोगों के पास समय है करो, 4 घंटा नहीं 8 घंटा को, मना नहीं है, लेकिन शरीर को तोड़ देना, शरीर को थका देना और हठ क्रियाएं करना बाबा ने सिखाया ही नहीं है। बाबा जो था बच्चे चलते फिरते कर्म करते मेरी याद में रहो, मस्त रहो और अच्छे अच्छे सेवाओं कर करके अपनी स्थिति अच्छी बनाओ, ये संतुष्टता है। ये आपने पॉइंट बहुत सुंदर कहा, मुझे लगता है देखने का नजरिया बाकी लोगों का भी बदल जाएगा कि हंसते खेलते, मतलब हमने कभी ये सोचा नहीं कि हंसते खेलते काम करते रहो। और जो आपने कहा कि श्रीमत में अगर आप चलते जाओगे और अलबेलापन और आलसीपन से दूर रहोगे, अपनी स्वयं की चेकिंग करो और ये सबसे आप मुक्त हो और श्रीमत पे चल रहे हो, तो वही संतुष्टता है। और हंसते खेलते, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी कि हंसते खेलते करते जाओ। थैंक यू भाई जी। अगला क्वेश्चन है कि मुरली में लिखा है कि बाकी थोड़ा काना दाना लेने से प्रजा बन जाती है, आपके संबंध जुटने से ही भविष्य संबंध में आएंगे, नहीं तो प्रजा में आएंगे, तो इसको आप थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे। ऐसा है, कई आत्माएं इस समय जो संबंध संपर्क में आती हैं, एक है जो ज्ञान को धारण करके वारिस बनती है, उनको तो वर्षा मिल जाता है, वर्षा और वरदान प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कई आत्माएं केवल कणा दाना, माना छोड़ आए, कुछ ज्ञान गया बुद्धि में, कुछ नहीं गया, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा अच्छा कह करके स्नेही बने, सहयोगी बन गए, सेवाओं में मदद की, तो प्रजा में तो आ जाएंगे, लेकिन वारिस नहीं बनेंगे। वारिस तो तभी बनेंगे जब तन मन धन बाबा के कार्य में लगाएंगे, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाबा को ही अपना परिवार मान करके संबंध सब संबंध से जोड़ेंगे। तो कणा दाना लेने वाली आत्माएं संपर्क में आती है, संबंध में नहीं आती। संबंध में जो आ गई, माना बच्चा बन गई, वारिस बन गई, तो उनको वर्षा मिलेगा, पूरा वर्षा, राजाई का वर्षा मिलेगा, जो प्यार से बाबा समझ करके बाबा कहते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो वारिस बन जाते हैं। लेकिन ज्ञान सुना फिर गए कारोबार में, हाँ बहुत अच्छा है, इनको मदद करनी चाहिए, बहुत सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो वो जो संपर्क वाली आत्माएं हैं वो प्रजा में आएंगी, सहयोगी बनेगी आकर के, जैसे यहाँ सहयोग देंगी वहां सत्युग में भी सहयोगी बनेंगी, लेकिन वो राजाई घराने में नहीं आ पाएंगे। इसलिए बाबा ने इस बात को बोला है कि एक है संपर्क वाली आत्माएं, एक है संबंध वाली आत्माएं। संबंध में आना माना वारिस बन जाना, बच्चा बन जाना, अपना समझना और अपने आप को समर्पित करके सेवाओं में लग जाना, तो ऐसे संबंध में आने वाले वर्षे के अधिकारी माना राजाई पद प्राप्त करेंगे, जो सिर्फ कणा दाना लेके जाएंगे प्रजा में आ जाएंगे।
तो मुझे लगता है आपने अगला क्वेश्चन भी आंसर कर दिया। किसी ने पूछा था कि वारिस होने की क्या क्वालिटीज, क्या गुण क्या है वारिस होने की। वास्तव में वारिस की जो विशेषताएं है ना, कई बाबा के बच्चे, मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ। जब पहले पहले सेवाएं शुरू हुई तो बहुत सेवाओं का विस्तार गुजरात में पहले हुआ, अहमदाबाद में, और दीदी हमारी उस समय गुजरात में अहमदाबाद सेवा में निमित्त थी। लेकिन एक बाबा का बच्चा निकला, उसको बाबा के सामने जब लाई दीदी, तो बाबा ने कहा, बच्ची तुमने सेवा तो बहुत की है, केवल एक वारिस निकाला। तो दीदी सोचने लगी, एक वारिस निकाला, मैंने तो इतने सब को लाया, इतनी सेवाएं की। तो वो जो बाबा का बच्चा आया, आते ही उसका ध्यान गया कि बाबा के घर में किस चीज की कमी है, कौन सी चीज की जरूरत है, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ मतलब उसकी बुद्धि चलने लगी यज्ञ को वृद्धि करने के लिए, विस्तार करने के लिए। जैसे बच्चा आ जाए, मालिक बन जाए, बड़ा हो और घर को संभाल ले, परिवार को संभालने लगे, तो वारिस कहलाता है। माना उसको अपनी रग लग जाए कि ये मेरा घर है और इस घर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तन मन धन से पूर्ण रूप से उसमें सहयोगी बन गया, उसने अपने मकान में सेंटर खुलवा दिया, उसने सब कुछ करना शुरू कर दिया, मधुबन में जिस चीज की कमी थी गुप्त रीति से ये चाहिए ये भेज दिया वो भेज दिया। तो वो मैंने देखा, बाबा ने उसको कहा, ये मेरा वारिस बच्चा है। तो ऐसे वारिस जो हकदार बने और हक रख करके हर कार्य में सहयोगी भी बने, तो इस प्रकार के बच्चे जब आने लगे तब बाबा ने कहा ये वारिस है, बाकी तो आते हैं चले जाते हैं। हाँ, आए, क्लास किया, मुरली सुनी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तो इससे तो वारिस नहीं बन सकते। वारिस बनने के लिए तो वर्षे का अधिकारी बनना पड़ेगा, है ना। हर प्रकार से बच्चा जैसे घर का मालिक है, ऐसे हम सबको भी जो भी सेवाएं हैं, यज्ञ है, क्या चीज की जरूरत है, कैसे मुझे बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना है, तन मन धन समय श्वास सब विशेषताएं जो बाबा के कार्य में लगा देता है, बाबा का बच्चा बन करके उनके अधिकार के रूप में जैसे बाबा ने किया ऐसे मैं करूं, तो वारिस बन जाता है। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। बाबा ने आज मेंशन किया कि बाबा को तीन तरह की याद पहुंचती है, वियोगी, योगी और स्नेही। और आपने वियोगी का शब्द, उसका मतलब आपने बताया था कि किसी और की याद में मन जुटा रहना। तो लेकिन फिर बाबा को उसकी कैसे याद पहुंचती है, उस आत्मा की कैसे फिर याद पहुंचती है, उसका मतलब क्या हुआ? दूसरे में जुटा हुआ नहीं, जुटा हुआ बाबा में ही, लेकिन दुख में, जैसे बाबा क्यों चला गया, बाबा को नहीं जाना चाहिए, मैंने देखा ही नहीं बाबा को, तो जैसे उलहने देते, बाबा आप आए, इतना समय पाठ बजाया, फिर भी मैं आपसे नहीं मिल पाई, ये वियोगी के शब्द है। वियोगी माना दूसरे की याद नहीं, लेकिन याद बाबा की ही है, लेकिन दुखमय दर्दमय याद है, उलहनों वाली याद है, उसको बाबा कहते हैं वियोगी। है योग बाबा से, लेकिन उसको दुख आ रहा है, उसको रोना आ रहा है कि बाबा चला गया, मैंने देखा ही नहीं, मैंने उसके साथ खेला ही नहीं, इन लोगों ने बहुत अच्छा भाग लिया, तो उसको बाबा वियोगी कहता है। योगी तो जिसकी बुद्धि बाबा के साथ निरंतर जुटी हुई है, और स्नेही में क्या, स्नेह में अंदर बाबा के प्रति प्यार उमड़ता है अंदर, लेकिन ज्ञान युक्त है, रोना नहीं है, दुख के आंसू नहीं आते हैं, इन प्यार में नैन गीले तो हो जाते हैं, बाबा चला गया, बाबा होता तो इतना अच्छा पार्ट होता हमारा, कितना हम उनके साथ खाते थे खेलते थे, तो स्नेही बच्चे हैं वो, तो स्नेही को बाबा स्वीकार करता, कहता स्नेही सहयोगी योगी बन जाएंगे, लेकिन वियोगी नहीं बनो, क्योंकि बाबा कहीं गया थोड़ी है, बाबा तो आपके साथ ही है, क्यों दुख के आंसू बहा रहे हो, क्यों लहना दे रहे हो। तो बाबा अपने बच्चों को वियोगी नहीं देखना चाहता है। आई थिंक हम सबके जब शुरू में, एटलीस्ट जब मैं आई थी तो वही था कि अच्छा मैं लेट आई, मैं बाबा को नहीं मिली, तो वही मेरी भी वैसे ही था, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, वियोगी से योगी बन गई ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे दो और क्वेश्चन है, लेकिन वो मुरली को रिलेटेड नहीं है। तो एक क्वेश्चन है कि जो अभ्यक्त जो पाठ चला बाबा जाने के बाद, तो वो कैसे हुआ और कैसे सबने जैसे उसको मान लिया, कैसे एक्सेप्ट किया, उसका में क्या था, कैसे सबकी स्थिति थी, उन्होंने कैसे फिर वो पाठ एक्सेप्ट कर लिया कि अभी साकार पाठ खत्म हो गया है और अव्यक्त पाठ शुरू हो चुका है। वो बहुत क्लियर था या उसको टाइम लगा समझने में, या वो अपने आप ही सबको स्वीकार होता गया? ऐसा था कि जब बाबा का आना शुरू हुआ
तो बाबा ने जो बच्चे आए जो उनको साकार में शब्द कहे थे, जो जिस तरह से साकार में बाबा ने उनको डायरेक्शंस दिए थे, जब वो बच्चे सामने आए तो बाबा ने उन्हीं शब्दों से उनको फिर से प्रेरित कर दिया। बच्चे देखो आपको साकार में कहा था ना ऐसे करना, ऐसे चलना, ऐसे रहना, तो बच्चों का निश्चय बढ़ता गया। और बाबा का जब अवतरण होता है तो गुलजार दादी जी का शरीर एकदम जैसे आत्मा सोई हुई है, उनका कोई भी हाव भाव उनके शब्द उसमें नहीं होते। इसलिए गुलजार दादी तो बहुत इनोसेंट थी, उनको तो कुछ इन बातों का पता ही नहीं था कौन सा बच्चा क्या करता है। गुलजार दादी कभी मधुबन में नहीं रही, वो तो दिल्ली जो उनको संभालती थी, बाहर सेवाएं करती थी। लेकिन बाबा का जब पाठ चलने लगा तो बाबा ने साकार के समय जिस तरह से बच्चों को पालना दी, जिस तरह से पढ़ाया, जो उनको डायरेक्शन दिए, वो सब अव्यक्त रूप में बाबा ने वर्णन किए। और जब सुनाने लगे तो सब बच्चों का निश्चय बैठा। और दादी जी का जब रूप रंग देखते थे, बाबा की प्रवेशता के बाद परिवर्तन दिखाई देता था, नयन बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, तो लोगों को विश्वास जल्दी हो गया। कोई भी इतने क्वेश्चन नहीं उठे कि बाबा नहीं है, सबको अनुभव हुए कि बाबा आए हैं और बाबा ही अपने बच्चों से मिलन मना रहे हैं। इसलिए साकार की जो याद थी, साकार के पर जो ये फीलिंग्स थी कि बाबा चला गया, तो कोई को भी बाबा ने ये महसूस करने ही नहीं दिया। बाबा ने कहा बच्चे केवल हमने कमरा चेंज किया है, शरीर रूपी कमरा चेंज किया है, अव्यक्त के कमरे में चला गया हूं, और जब बच्चे याद करेंगे तो बाबा आपके बीच में होंगे। और सचमुच ऐसा ही वो दृश्य था कि अगर कोई भी काम पड़ता था, गुलजार दादी को बिठा देती थी, दादी जाओ बाबा से पूछ के, बाबा को पूछो नहीं तो बाबा को बुला लो। तो ऐसे ही दादी बिल्कुल इनोसेंट होकर के बैठती थी और बैठ जाती, बाबा बुला लेता था, ऊपर चली जाती थी और बाबा आ जाते थे। तो 69-70 में बाबा ने जो पालना दी है, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, ये तो मुरलियां तो जब समूह में चली हैं तब छपी हैं, लेकिन कमरे में बुला लिया। एक दिन की बात सुनाता हूँ, हमारे पास 73 में एक नई गाड़ी आई, गाड़ियां सब चली गई थी, केवल एक पुरानी गाड़ी थी। नई गाड़ी किसी ने दिया मधुबन में, पहली छोटी गाड़ी, फीएट गाड़ी उस समय चलती थी। अब वो गाड़ी आई, दादी उसमें दीदी दादी और गुलजार दादी पहली बार जब बैठी तो कहा चलो घुमाने ले चलो बाहर। और बाहर ले गई तो अनादरा पॉइंट जो है ना, जिसको हनीमून पॉइंट, अनादरा पॉइंट कहते हैं, वहां पर गाड़ी खड़ी किया। और गुलजार दादी को दादी ने बोला देखो गुलजार, गुल गुल बोलती थी दादी, गुल बाबा को नई गाड़ी मिली है और हम लोग इसमें बैठेंगे? नहीं बैठेंगे जब तक बाबा नहीं बैठेगा, तुम जाओ अभी। गाड़ी खड़ी करके वही अनादरा पॉइंट में गाड़ी खड़ी किया और गुलजार दादी को गाड़ी में ही बाबा के पास भेज दिया। और बाबा आ गए, बाबा आए, दोनों दीदी दादी नीचे उतरी, बाबा को नीचे उतारा, पूरे गाड़ी का चक्कर लगवाया, वहां ही तिलक लगवाया गाड़ी को। और बाबा ने बहुत प्यार से बोला बच्ची ये गाड़ी क्या, अभी तो अनेक गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, आती रहेगी। तो ऐसे बाबा को दादियों ने यूज किया। और बाबा तो इतना सरल रीति से, जब बच्चे याद करें, जब कोई डायरेक्शन लेना हो, हर दूसरे तीसरे दिन कभी बाबा के कमरे में, कभी दीदी के कमरे में, जहां पर भी गुलजार दादी को बिठा दिया बाबा आ जाते थे। और इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी पालना शुरू शुरू में दी। इसलिए साकार की जो स्मृतियां थी, साकार के प्रति जो इतना लगाव था, पता नहीं बाबा चला गया अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो बाबा ने अपने अव्यक्त पाठ से उस पाठ को पूरा कर दिया। कोई भी बात में कोई को फीलिंग नहीं रही कि बाबा चला गया। सुनते ही बहुत ऐसे ऐसे लग रहा कि बाबा कितना, मतलब वो कैसे टाइम होएगा जब बाबा को कभी भी बुला लिया दादी ने और बाबा हाजिर हो जाता था, इसलिए फिर बाबा को भोलेनाथ भी तो कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, मैं जरा पढ़ के सुनाती हूँ, मुझे टेक्स्ट में आया है। तभी बाबा कहते हैं किसी को ज्ञान दो, अपने धर्म का होगा तो तीर लगेगा और ब्राह्मण बन जाएगा। फिर कभी कहते हैं वारिस बच्चा बनाओ, संपर्क वाले नहीं संबंध वाले बनाओ, इसका थोड़ा विस्तार कीजिए। ऐसा है, ज्ञान तो बाबा कहता है हर आत्मा को देना है,
लेकिन आपने देखा होगा कई आते हैं, सुनते हैं, कोई अच्छा मानते हैं, कोई कहते हैं नहीं, ये सब आपकी कल्पना है। तो बाबा कहता है ज्ञान तो वास्तव में सबके लिए है, बीज डाल दो, बीज डाल दो, जो वारिस होंगे वो तुरंत ही फल देना शुरू कर देंगे, और नहीं होंगे तो अंत समय में उनको याद आएगा किसी ने मुझे संदेश तो दिया था, बताया था कि भगवान आया हुआ है। तो हर धर्मात्मा के लिए, धर्म वालों के लिए ज्ञान तो है, बीज डालो। जो ज्ञानी तो आत्माएं अपने धर्म के अंदर भी जाकर के अपने धर्म की स्थापना के निमित्त बनेंगी, उस धर्म में आएंगी, वो भी कुछ न कुछ अंचली लेकर के जाएंगी। इसलिए इस भावना से ज्ञान देना आवश्यक है कि अपने धर्म में भी ऊंच पद पाए, अपने धर्म में भी अच्छे श्रेष्ठ भाग्य के पार्ट को प्ले करें, उसके लिए ज्ञान सबको देते चलो। पात्र है तो उसको संबंध में ले आओ, संबंध में आएगा, वारिस बनेगा, ज्ञान को जीवन में धारण करेगा, सहयोगी बनेगा, तो अपने आप उसका भाग्य बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कोई ज्ञान में निकला ही नहीं, कई बार कोर्स कराओ, प्रदर्शनी लगाओ, खर्चा करो, सम्मेलन, एक भी नहीं निकलता और बच्चे निराश हो जाते हैं। बाबा कहता निराश नहीं हो, यह विनाशी बीज है, ये बीज खत्म होने वाला नहीं है, आपने अपना फर्ज पूरा किया, कर्तव्य पूरा किया, जिनको जितना लेना है उतना लेंगे, सब तो वारिस नहीं बनेंगे, देवता घराने की आत्मा ही वारिस बनेगी, बाकी दूसरे धर्म वाले अंजलि लेकर के जाएंगे। हाँ जी, और मुझे ये भी लगता है कि जब बाबा बोलते ज्ञान दो, तो जब मैं किसी को ज्ञान दे रही हूँ तो पहले मैं समझ रही हूँ बहुत अच्छे से, फिर मैं वापस बोल रही हूँ तो वापस मैं सुन रही हूँ और मेरा पक्का हो रहा है, तो मेरा ही कल्याण हो रहा है, चाहे कोई निकले सुन के या नहीं निकले, लेकिन मेरा तो कल्याण हो ही रहा है ज्ञान देते देते। मेरा भी हो रहा है और उसके बाद जो भी सुन रहा है, भले वो सुनने सुनते हुए भी नहीं सुने, लेकिन एक दो बातें तो याद रहेंगी, कभी तो आपको कहेगा कि हाँ आपने तो मुझे सुनाया था, आपने तो मुझे कहा था, मैं ही भूल गया। हाँ हाँ, वो तो सही है। हाँ, वो बात कोई कोई टच कर जाती है बातें, वो रह जाती है फिर उनके मन में। दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे बाबा ने कहा कि चेक करने के लिए, जो चार प्रश्न पूछे गए थे तो चौथा प्रश्न था उसमें कि चेक करने के लिए कि आपने शूरता कहाँ तक आई है, तो शूरवीरता किस बात की, करेज होना किस बात के लिए? शूरवीर बनना ही है विकारों पर, माया पर विजय पाने, ये शक्ति चाहिए, ये शक्ति कम है तो माया कहीं ना कहीं हरा देती है। तो बाबा अपने बच्चों को कहते हैं जो शूरवीर है, एक तरफ महावीर भी कहता है, दूसरा शूरवीर कहता है, और शक्तिशाली, माना महावीर हाथी की संज्ञा से देते हैं और शूरवीर शेर की संज्ञा से कहते हैं, माना शेर जैसी शक्ति जिसके पास है, कोई भी आसुरी शक्तियां उसके ऊपर वार नहीं कर सकती। देवियों को, दुर्गा को शेर पर दिखाते हैं, शेर की सवारी है, वो शूरवीर है, महावीर है। तो वो आत्मा जो है वो कोई भी प्रकार के आसुरी शक्तियों से डरती नहीं है, घबराती नहीं है। तो बाबा कहते हैं आसुरी शक्तियों का वार आपके ऊपर ना हो, उसके लिए आप शूरवीर बनो, क्योंकि वातावरण में सब आसुरी शक्तियां व्याप्त हैं, माया का साम्राज्य है, और ऐसे समय पर भी अगर आप शूरवीर बनकर के नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं माया आपको लताड़ेगी, पछाड़ेगी, गिराएगी। इसलिए सब ध्यान दो कि मुझे बाबा का बच्चा महावीर या शूरवीर बन करके रहना है, सब शक्तियों से संपन्न बन करके रहना है, जो कोई भी प्रकार से माया मेरे पर अटैक न कर सके। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं समय को देख के, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वही है पुरुषार्थ को लेके ही है, संतुष्टता पुरुषार्थ को लेके ही है, उसी लाइन में है कि बाबा कहते हैं कि अपनी अवित स्थिति द्वारा नए आत्मा को साक्षात्कार होगा, तो ये जैसे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है, तो इसका कभी कभार स्ट्रेस भी हो जाता है कि ये हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इसे कैसे हम, इसे ये जिम्मेदारी को हम कैसे पूरा करें, इसे कैसे देखें हम इस सेंटेंस को? वास्तव में कभी भी ये आस लेकर के पुरुषार्थ नहीं करना है कि मेरा कहीं साक्षात्कार हो, ये भावना हमारे अंदर नहीं रहे, ये काम बाबा का है, क्योंकि बाबा कहता है साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है, आपके पास नहीं। आप अपनी स्थिति बनाने का टेंशन, आप अपने आत्मिक स्वरूप को, अव्यक्त स्थिति को अच्छी तरह से कंटिन्यू रखो, बाबा को जहां आपको यूज करना होगा करेगा, जिसको आपका साक्षात्कार कराना होगा कराएगा, कि देखो इस बच्चे को कितना अच्छा है,
हम फुल अटेंशन में रहें। बाबा हमेशा कहता था, कई बार कोई साधारण ड्रेस में होते थे ना, छोटे कपड़ों में ड्रेस में, तो बाबा कहता था मैंने कभी अपनी ड्रेस चेंज नहीं की, क्योंकि अगर मैं ड्रेस चेंज कर दूं और मेरा बाबा साक्षात्कार किसी को करा देगा तो पहचानेगा ही नहीं। स्थूल में भी बाबा ने बहुत ध्यान दिया, ड्रेस पर बहुत ध्यान दिया, कि अगर मान लो मेरा कहीं साक्षात्कार बाबा करा रहा हो कि ये बच्चे को देखो इस कैसे पुरुषार्थ कर रहा है, कैसे योग कर रहा है, तो मैं अगर ड्रेस चेंज करके बैठा हूँ, पैंट सूट में बैठा हूँ या दूसरी ड्रेस में बैठा हूँ, तो लोगों को कैसे पता चलेगा। इसलिए साकार में भी बाबा ने ड्रेस चेंज नहीं की, अव्यक्त रूप में भी, लाइट की ड्रेस में जितना हम रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में फरिश्ता ड्रेस के अंदर हम हैं, तो बाबा को जहां पर जिस बच्चे का अनुभव कराना है अपने आप कराएगा, वो कराने वाला। मुझे टेंशन नहीं लेना, मुझे स्ट्रेस में नहीं रहना, मुझे अपनी आत्मिक स्थिति बनानी है। आत्मिक स्थिति, अव्यक्त स्थिति जितनी बनती जाएगी, व्यक्त भाव से, व्यक्त बातों से न्यारे बन करके रहो, अपने आप अव्यक्त स्थिति बन जाएगी। और वो अव्यक्त स्थिति बाबा उसको यूज करेगा, जिस बच्चे को, जिस जो भाव भक्त होगा उसको अनुभव कराएगा, देखो आपके इष्ट देवी आपको वरदान दे रहे हैं, ये काम बाबा का मेरा नहीं है। I'm sure ये सुनते ही जिनका क्वेश्चन था उनका स्ट्रेस निकल गया होगा, क्योंकि बाबा करवाने वाला है सब, हम खाली निमित्त है, तो वो सोच के चलते रहो, फिर बाबा अपना मैजिक करता रहेगा। थैंक यू सो मच। सारे आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं और समय भी हमारा हो चुका है। तो वैशाली भाई जी, थैंक यू सो मच सबके तरफ से, सब लोग जो आए हैं सबके तरफ से थैंक यू, कि आपने एक एक क्वेश्चन को बहुत प्यार से आंसर दिया और मुझे लगता है सबको बहुत संपूर्ण संतुष्ट महसूस कर रहे होंगे सब। सो थैंक यू सो मच। मैं वैशाली दीदी को देती हूँ। भाई जी, मुझे ऐसे महसूस होता है कि ये सवाल जो मैं आपके सामने ला रही हूँ उसका सैकड़ों बार आपके पास आया होगा और आपने जवाब भी दिया होगा, लेकिन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये प्रश्न है, उनका भी ये प्रश्न है कि अभी क्या हो गया है कि दादी जब दादी गुलजार ने अपना साकार तन में नहीं है, तो कई आत्माएं जो है जो अभी नई है, और क्योंकि आज मीडिया का विस्तार इतना है, YouTube चैनल्स इतनी है, कौन कौन सी चैनल चलाते हैं, कितनी सारी बातें देखते हैं, तो ये भी बातें आती है कि बाबा, आपको पता है यहाँ पर बाबा आते हैं, आपको पता है बाबा तो अवतरित होते हैं, वो यहाँ यहाँ आते हैं, और बाबा ने मुरलियों में इसके बारे में बहुत गहराई से समझाया है। क्या आप कह सकते हैं कि किसी और में बाबा आते हैं या आएंगे, या ऐसे प्रश्न जब आते हैं या उसमें उलझ जाते हैं? मैं आपको कहती हूँ कि कई लोग तो उलझ भी जाते हैं, उस राह पे चलने भी लगते हैं और धोखा खाने के भी तो चांसेस हैं। कई बार नहीं, अभी बहुत सारी माया के बहुरूप चल रहे हैं, इसलिए बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता है। एक विचार करना चाहिए ब्राह्मणों को, जिस यज्ञ को बाबा ने इतना आगे बढ़ाया, जितना बाबा का साकार या अव्यक्त पाठ चला, अगर बाबा को कोई तीसरा रथ लेना ही होता तो क्या यहाँ नहीं लेता, यज्ञ को नहीं चलाता, यज्ञ को नहीं संभालता, वो जाकर के किसी एक छोटी छोकरी में, एक छोटी सी बच्ची में, किसी बहन में, भाई में, उसमें आकर के बाबा अपना पाठ बजाएगा। कई ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान समय इस माया के बहुरूप को नहीं पहचान पा रही है, और वो कहीं कभी बॉम्बे में बाबा आ गया, कहीं रायपुर में आ गया, कहीं कहीं आ गया, और उसके कारण वो बातें सुनते हैं और सुन करके उलझ जाते हैं। उलझना नहीं, बाबा कहता है मैं कहीं भी नहीं आऊंगा, मेरा पाठ केवल मधुबन, मेरी धरनी है। अगर कोई को आना ही है, किसी के तन में आना होता तो बाबा के रथ बैठे हैं, ऐसे नहीं, इतनी संदेशियां हैं, इतने अच्छे सब पाठ बाबा के चल सकते हैं। केवल दो रथों का ही गायन है भक्ति मार्ग के अंदर, हर एक मंदिर के अंदर शिव बाबा का शिवलिंग है और साथ में एक छोटी सी गाय है, साथ में सामने है। बाबा के दो रथ थे और उन्हीं रथों के द्वारा बाबा ने साकार पाठ बजाया है,
कोई तीसरे रथ में किसी के तन में बाबा आकर के अभी अपना पाठ नहीं बजाएगा। बाबा अपने बच्चों को कह रहा है, बच्चे अपने को संपन्न संपूर्ण बनाओ और जितना मैंने पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करके अपने जीवन में धारण करो। आपके द्वारा भी बाबा का अनुभव लोगों को होना चाहिए। आपकी ऐसी स्थिति हो, आपकी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई दे, हम सब बाबा के बच्चे बाबा का स्वरूप बने। यहाँ बाबा आया, वहां बाबा आया, बाबा के तब आया, बाबा नहीं आता, भूत आता है। कोई ना कोई आत्माएं प्रवेश कर लेती हैं और या उन्होंने ही अपने धंधे को खोल के रखा है, आवाज बदल करके बाबा की आवाज बोल करके लोगों को आकर्षित करते हैं, या कोई आत्मा ऐसी है जो बाबा के ज्ञान को समझी है और बाहर गई है और वो प्रवेश होकर के अपना पाठ बजाती है। बाबा नहीं आएगा, बाबा संपूर्ण पावन परम पवित्र, उसने अपना पाठ पूरा किया और इतना 48 साल तक अव्यक्त रूप में पढ़ाया है, उसकी सारी मुरलियां हैं, हमने कितना ज्ञान को धारण किया, क्या नया सुना रहा है बाबा। आज हम सुनते हैं, हमारे पास भी आते हैं, कई फोन आते हैं, कई पत्र आते हैं, यहाँ बाबा वहां बाबा, और जो उसमें गए 6 महीना 1 साल के बाद उनकी सत्यानाश हुई है। कहीं नहीं नियम रहते, कोई मर्यादाएं नहीं रहती और धीरे धीरे वो न इधर के रहते न उधर के रहते, भटक जाते हैं। इसलिए बहुत अटेंशन देना, ये अंत समय में माया अपने रूप दिखा रही है। बाबा जहां पर भी अपना पाठ बजा रहे हैं, मधुबन उनका घर है और मधुबन में आने वाले बच्चे बाबा के अव्यक्त अवतरण का अनुभव कर रहे हैं। अव्यक्त रूप में बाबा अपने बच्चों की बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं, इसलिए साकार में ही आकर के अगर बाबा को करना होता तो बाबा का घर था, बाबा के बच्चे थे, अब बाबा आ सकते थे। इधर उधर क्यों आएंगे, भटकेंगे, भगवान को क्यों भटका रहे हो एक छोटे से स्थान पर। इसलिए बहुत समझने की बात है, सोचना और इस पर विचार करना, कोई की बातों के प्रवाह में नहीं आना। हमें अपनी स्थिति बनानी है, संपन्न संपूर्ण बनना है, जितना बाबा ने पढ़ाया है उसको अपने जीवन में लाना है। बाकी कोई भी कुछ भी कहे, बाबा कहता सुनते हुए नहीं सुनो, ये सब व्यर्थ है, ये इविल है, इसमें नहीं जाना। भाई जी, क्योंकि ये लहर चल रही है तो मैं छोड़ना नहीं चाहती कि साकार बाबा का साकार पाठ, अव्यक्त बाप दादा का अव्यक्त पाठ, अभी गुलजार दादी जी ने जब अपना व्यक्त से वो अव्यक्त हुए हैं, तो कभी बाबा ने किसी मुरलियों में, क्योंकि आपने तो मुरली घोट के पी है, किसी मुरलियों में या कुछ ऐसा कभी बताया है कि जब गुलजार दादी का जो पाठ जब चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, वो कहाँ, मतलब मुझे नहीं जानना है क्योंकि बाबा ने कहा था कि तुम्हारा क्या बिजनेस है कि कौन कहाँ है। मुझे बराबर याद है कि बाबा ने कहा था कि कौन सी आत्मा कहाँ है, कौन सी दादी कहाँ है, उसमें तुम्हें नहीं जाना है। लेकिन फिर भी आत्माएं, जो नई नई आत्माएं आती हैं, तो उनके ये प्रश्न होते हैं कि अभी गुलजार दादी के जाने के बाद गुलजार दादी का पाठ क्या होगा। कभी बाबा ने जब तक बाबा ने कोई बात को बताया नहीं है, तब तक कोई आत्मा अगर बता रही है उसकी अपनी मन मत हो सकती है। थैंक यू, मैं कभी भी उन बातों में नहीं जाता हूँ, क्योंकि बाबा ने किसी भी दादी के लिए नहीं कहा। मैं आपको बताऊं, बड़ी दादी ने साकार में बाबा को मेरे सामने बोला हुआ है, अव्यक्त बाबा को, बाबा मैं जन्म नहीं लेना चाहती हूँ। बड़ी दादी ने, प्रकाशमय दादी ने, बाबा ने कहा अच्छा बच्ची ठीक है। लेकिन जब संदेश गुलजार दादी लाती थी, उनके संदेश पर मेरा संपूर्ण विश्वास रहा है और मैं उनके ही संदेश प्रिंट किए हैं, टाइप किए, इसके अलावा किसी संदेशी के संदेश नहीं टाइप किए, क्योंकि हर एक की कैचिंग पावर अपनी अपनी होती है। तो दादी ने जब अव्यक्त हुई, बड़ी दादी, तो गुलजार दादी ने बाबा का संदेश सुनाया कि बाबा ने उस बच्ची को नए पाठ के लिए तैयार कर लिया है और उसके द्वारा क्या नया रोल होने वाला है, उसको जन्म लेने के लिए दादी को बाबा ने तैयार किया। बच्ची मान नहीं रही थी, लेकिन बाबा ने कहा है बच्ची आपको ये पाठ बजाना है, तो दादी भी बाबा को मना नहीं कर सकी है, इसलिए उसने जन्म लिया है। तो जब दादी का संदेश गुलजार दादी के द्वारा हमको ये मिला, बाकी गुलजार दादी ने जन्म लिया या नहीं लिया या क्या पाठ हुआ, कोई भी क्लियर संदेशी ने संदेश नहीं दिया है। जब एक बात ये बात उठी थी, कोई ने क्लास करा दिया, तो मैंने जिस संदेशी का नाम लेके कराया था उससे डायरेक्ट बात किया कि आप समझती हो कि गुलजार दादी वतन में सदा रहेगी, अगर है तो क्या आपको बाबा ने कहा है, कहा नहीं, ऐसी कोई बात मुझे नहीं बताई, संदेशी ने बताया।
थैंक यू, ये बहुत बहुत जरूरी था आत्माओं के लिए ये सुनना, आपके मुख से सुनना, क्योंकि लोगों की बातें देखते हैं, अपना देखते हैं, आधा समझते हैं, आधा मन मत चलाते हैं। तो आई एम सो थैंकफुल, मैं आपकी आज इतनी इतनी दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने सचमुच कई आत्माओं की आंखें खोली हैं। न सिर्फ ये, लेकिन ये जहां पर भी वीडियो जाएंगे, आपकी यूट्यूब चैनल्स में जाएंगे, बहुत सारे, और जरूर हम कहेंगे, इसका टाइटल रखेंगे कि गुलजार दादी के पाठ को समझे और इसके पीछे अपने मन और बुद्धि को जो है हम भटकाए नहीं। भाई जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत आसान कर दिया बहनों का, स्पेशली निमित बहनों का कार्य जो है आपने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि वो उनके पास जवाब नहीं होते हैं कि कैसे कहें, लेकिन जब आपने ये कहा कि आपने खुद संदेशी से वेरीफाई कराया और खुद संदेशी ने कहा कि ऐसा मैंने नहीं कहा, सो देयर यू गो, दैट्स योर आंसर। थैंक यू सो मच भाई जी आज के लिए, हम फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को। इतनी ही अच्छी है ना, आप लोगों को नहीं लगता है कि हम यज्ञ के बहुत करीब आ गए हैं, है ना? राजू भाई जी तो हमें मधुबन में बिठा दिया है, ऐसे फील होता है। देखिए भाई जी, सबके चेहरे देखिए, थैंक यू, हम राजू भाई जी को थैंक यू करेंगे। समय यही दिल दर्पण से